नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। आज 5 मुहर्रम बरोज़ पीर बीबी का अलम, जो 10 मुहर्रम को निकाला जाता है, इसकी तैयारी का आगाज़ हुआ। अलम मुबारक जो हाथी पर निकाला जाता है, जिसका नाम माधुरी है, जिसको महाराष्ट्र से लाया गया, आज बीबी के अलावे से रिहर्सल के तौर पर निकाला गया। DCP साउथ जोन जनाब साई चैतन्या IPS और एडिशनल DCP जनाब बी आनंद की रास्त निगरानी में डबिलपुरा बीबी के अलावे से निकाला गया, जो शेख फैज की कमान एतबार चौक, अलीजा कोटला, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजे शाह, मीरा आलम मंडी, दारुशफा, अजा खाना जहरा, काली खबर से होता हुआ चादर घाट इलाहिया मस्जिद पर इस रिहर्सल का अख्ताम हुआ। इस मौके पर साउथ जोन DCP जनाब साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं इस रिहर्सल के कुछ मंजर। इस जुलूस में शिया बिरादरी ही नहीं बल्कि हर मजहब को मानने वालों की कसीर तादाद देखी गई। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सबको आदम। आज मुहर्रम का जुलूस, 10 मुहर्रम का जुलूस में जो हाथी शामिल होने वाले हैं, उसको आज ट्रेल रन करवा रहे हैं। जो जैसे पूरा रूट है बीवी कालम से लेके मस्जिद इलाही तक, जो 66 किलोमीटर का रूट है, उसके पूरा रूट जो है अभी ट्रेल रन कर रहे हैं, ताकि हर कोने पे कैसे जाते, कैसे मुड़ना है, सारी चीज़ हमारा पूरा पुलिस फोर्स जो उस दिन शामिल होने वाला है, उन सारी फोर्स को साथ लोग पार्टी के साथ ट्रेल रन कर रहे हैं, ताकि जो भी डिफिकल्टीज अभी जो समझ में आ रही है, जो फिर जैसे सीनियर ऑफिसर जो है आप ही पहले से जो एक्सपीरियंस ऑफिसर आनंद है, हमारा मेन बाजार का इंस्पेक्टर रंजीत है, इन लोग का भी यहाँ पे है, और लोग जो उन लोग का एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पे आज भी हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ कोई डिफिकल्टी हो सकता है, उसके बारे में हम तो समझने के लिए ये सारी ट्रेलिंग कर रहे हैं। यही जितना टीम आज जो कर रहे हैं, वही टीम 10 मुहर्रम का दिन पे भी इस पर पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि पूरा जुलूस आराम से निकल जाए और बहुत कम तकलीफ से लोगों के साथ निकल जाए। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद का मुहर्रम सारे हिंदुस्तान में अपनी शान व शौकत रखता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल बीबी के आलम के जुलूस के लिए जो हाथी आता है, तो उसको ऐसो अब हर साल ऐसो रिहर्सल रखते हैं, चुनाचे 10 के दिन ऐसो कोई चीज़ के लिए मुश्किल ना हो, तो हाथी ऐसो उसके सारी रूट पर ऐसो चलता है। इस साल जो हाथी आया है वो माधुरी कोल्हापुर महाराष्ट्र स्टेट से आया है। ये हाथी का सिलसिला 1860 से अफजलुद्दौला के ज़माने से चल लेते आ रहा सो है। हमेशा ऐसो जो भी बादशाह वक्त रहते हैं ना, बीबी के आलम के हाथी के लिए हाथी फराम करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश भी ऐसो सवारी बीबी के आलम के लिए हाथी प्रोवाइड करती थी, वो फॉलो हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी ऐसो हाथी प्रोवाइड करी है। इस साल HCH निज़ाम ट्रस्ट के एप्लीकेशन पे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऐसो सरकारी तौर पे हमेशा की तरह इस साल भी ऐसो सारे इंतजाम मुकम्मल करी है। हम खसूसी तौर पे हमारे हरदिल अजीज़ खायद बाइस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि इस सारे चीज़ों में ऐसो हमको ऐसो बहुत मदद की है, और इसकी सारी जिम्मेदारी मिर्ज़ा रियाजुल अफंदी साहब को दी थी, MLC साहब को। उन्होंने भी ऐसो हमारे ख़दम से ख़दम चल कर ऐसो सारे इंतजाम मुकम्मल करा है। हैदराबाद का मुहर्रम बड़ी हिंदुस्तान में बड़ी अजमत और शान रखता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैसूर का दशहरा, दिवाली और हैदराबाद का मुहर्रम सारे वर्ल्ड में ऐसो फेमस है। यहाँ पर ऐसो बिला मज़हब व मिलत सारे लोग ऐसो अकीदत से एहतराम से ऐसो मुहर्रम मनाते हैं। बीबी के आलम की जो सवारी रहती है, इसमें ऐसो हमारे हिंदू ब्रदरी के भी खिदमत है। जो छतरी उठाते हैं वो हिंदू फैमिली के लोग हैं, और जो माही मरातम उठाते हैं उन्होंने भी हिंदू ब्रदरी के लोग हैं। ये एक हिंदुस्तान की तहजीब है, गंगा जमुना की यहाँ से ये सो शुरुआत हुई सो है। हम लोग आप सबसे एक तहे दिल से ऐसो सब लोग का शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि ऐसो आज बहुत अच्छे अंदाज में ऐसो ट्रायल हो रहा है। इंशाल्लाह 10 के दिन भी ऐसो बहुत अच्छे अंदाज में सारे चीज़ें ऐसो मुकम्मल होंगे। ये जो मेरी खिदमत है, शायद अल्लाह सुबहान तआला का एहसान है, ये पीढ़ी दर चल लेते आ रही सो है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 12th जनरेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ख़ानदान में मोरूसी सारी खिदमत आई सो है, जो कि मैं बखूबी अंजाम कर रहा हूँ।
औज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद का मुहर्रम सारे हिंदुस्तान में अपनी शान व शौकत रखता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल बीबी के आलम के जुलूस के लिए जो हाथी आता है तो उसको ऐसो अब हर साल ऐसो रिहर्सल रखते हैं। चुनाचे 10 के दिन ऐसो कोई चीज़ के लिए मुश्किल ना हो तो हाथी ऐसो उसके सारी रूट पर ऐसो चलता है। इस साल जो हाथी आया है वो माधुरी कोल्हापुर महाराष्ट्र स्टेट से आया है। ये हाथी का सिलसिला 1860 से अफजलुद्दौला के ज़माने से चल रहे आ रहा सो है। हमेशा ऐसो जो भी बादशाह वक्त रहते हैं ना बीबी के आलम के हाथी के लिए हाथी फराम करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश भी ऐसो सवारी बीबी के आलम के लिए हाथी प्रोवाइड करती थी, वो फॉलो हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी ऐसो हाथी प्रोवाइड करी है। इस साल HCH निज़ाम ट्रस्ट के एप्लीकेशन पे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऐसो सरकारी तौर पे हमेशा की तरह इस साल भी ऐसो सारे इंतजाम मुकम्मल करी है। हम खुसूसी तौर पे हमारे हरदिल अजीज़ खायद बाइस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि इस सारे चीज़ों में ऐसो हमको ऐसो बहुत मदद की है। और इसकी सारी जिम्मेदारी मिर्ज़ा रियाजुल अफंदी साहब को दी थी, MLC साहब को। उन्होंने भी ऐसो हमारे ख़दम से ख़दम चल कर ऐसो सारे इंतजाम मुकम्मल करा है। हैदराबाद का मुहर्रम बड़ी हिंदुस्तान में बड़ी अजमत और शान रखता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैसूर का दशहरा, दीपावली, दिवाली और हैदराबाद का मुहर्रम सारे वर्ल्ड में ऐसो फेमस है। यहाँ पर ऐसो बिला मज़हब व मिलत सारे लोग ऐसो अकीदत से एहतराम से ऐसो मुहर्रम मनाते हैं। बीबी के आलम की जो सवारी रहती है इसमें ऐसो हमारे हिंदू ब्रदरी के भी खिदमत है। जो छतरी उठाते हैं वो हिंदू फैमिली के लोग हैं, और जो माही मरातम उठाते हैं उन्होंने भी हिंदू ब्रदरी के लोग हैं। ये एक हिंदुस्तान की तहजीब है, गंगा जमुना की यहाँ से ये सो शुरुआत हुई सो है। हम लोग आप सबसे एक तहे दिल से ऐसो सब लोग का शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि ऐसो आज बहुत अच्छे अंदाज में ऐसो ट्रायल हो रहा है। इंशाल्लाह 10 के दिन भी ऐसो बहुत अच्छे अंदाज में सारे चीज़ें ऐसो मुकम्मल होंगे। ये जो मेरी खिदमत है अल्लाह सुबहान तला का एहसान है, ये पीढ़ी दर चल रहे थे आरिसो है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 12th जनरेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ख़ानदान में मोरूसी सारी खिदमत आईसो है, जो कि मैं बखूबी अंजाम कर रहा हूँ। मदार होटल की बेमिसाल पेशकश आपके लिए पेश करते हैं, एक से बढ़कर एक ढेर सारी वेराइटीज के डिलीशियस डिशेस। जी हाँ, चिकन 65, ड्राइड चिकन, चिकन तंदूरी और बेहतरीन लेग पीस। जो खाए एक बार वो तो खाना चाहेंगे बार बार, क्योंकि मदार होटल की डिशेस का जायका ही कुछ और है। अरे भाई, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। जरूर तशरीफ लाइए, खुद खाइए, दोस्त अहबाब को खिलाइए या फिर अपने चाहने वालों के लिए पार्सल घर ले जाइए। मदार होटल, मल्लापल्ली एक्स रोड, नियर नोबल टाकिस, हैदराबाद। प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला।